हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे PIC 101N में टर्मिनल कनेक्शन और प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। टर्मिनल नंबर 2 और 3 आपका TC इनपुट के लिए है। टर्मिनल नंबर 2, 3, 4 आपका RTD इनपुट के लिए है। टर्मिनल नंबर 5 और 6 आपका वोल्टेज इनपुट के लिए है। 5 नंबर आपका प्लस है एंड 6 नंबर आपका माइनस है। 7 और 8 आपका मिली एम्पियर इनपुट के लिए है, 7 पे प्लस और 8 पे माइनस। टर्मिनल नंबर 9 और 10 आपका प्रोग्रामिंग के लिए है। अगर आप टर्मिनल नंबर 9 और 10 को लूप करोगे तो आप प्रोग्रामिंग पैरामीटर में जा सकते हो, अदरवाइज आप फ्रंट की प्रेस करके भी प्रोग्रामिंग में जा सकते हो। टर्मिनल नंबर 11 और 12 आपका सेंसर सप्लाई के लिए है। टर्मिनल नंबर 19 और 20 पे आप लाइन न्यूट्रल कनेक्ट करोगे यूनिट को ऑन करने के लिए। अभी हमने यहाँ पे करंट इनपुट दिया है 7 और 8 टर्मिनल पे, आप यहाँ पे देख सकते हो। और करंट इनपुट हमारा आ रहा है PID 500U से। यहाँ पे हम लोगों ने PID 500U का एनालॉग आउटपुट यूज़ किया है PIC के इनपुट के लिए, जो कि हम लोगों ने कनेक्ट किया है 7 और 8 टर्मिनल पे। प्रोग्रामिंग में जाने के लिए आपको फर्स्ट की 3 सेकंड प्रेस करना है। यहाँ पे आईडी आएगा, आईडी में आपको 85 एंटर करना है। अगर आप फर्स्ट की प्रेस करोगे 1 बाय 1 तो आपका डिजिट शिफ्ट होगा। अभी मैं यहाँ पे 85 कर देता हूँ। अभी यहाँ पे मिडल की से आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे नेक्स्ट पैरामीटर आने के लिए आपको स्क्वायर की प्रेस करना है। आपका यहाँ पे इनपुट आया करंट। अभी हम लोगों ने PIC को करंट इनपुट दिया, इसलिए यहाँ पे करंट का सिलेक्शन है, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो मिडल की से। आपका जो भी इनपुट रहेगा, वोल्ट, जे टाइप, के टाइप, ये सारे सेंसर्स से। हैं यहाँ पे मैंने करंट कर दिया। फिर से स्क्वायर की प्रेस करेंगे यहाँ पे, तो आपका रिजोल्यूशन आएगा। अगर आपको प्रोसेस वैल्यू पॉइंट में देखना है तो आप यहाँ पे रिजोल्यूशन चेंज कर सकते हो मिडल की प्रेस करके। अभी मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ। नेक्स्ट पैरामीटर आपका डिस्प्ले स्केलिंग लो। डिस्प्ले स्केलिंग लो मीन्स आपको मिनिमम इनपुट पे जो वैल्यू डिस्प्ले पे देखना है वो वैल्यू आप यहाँ पे सेट करोगे। सेट करने के लिए आप फर्स्ट की से आप डिजिट शिफ्ट करोगे और सेकंड की से नंबर चेंज कर सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पे 0 सेट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे 4 mA पे यहाँ पे 0 दिखना चाहिए डिस्प्ले पे। नेक्स्ट पैरामीटर है आपका ISCL। ISCL मीन्स इनपुट स्केलिंग लो। आपका जो मिनिमम इनपुट है, जैसे अभी मैंने 4 to 20 mA इनपुट दिया है PIC को, तो मेरा मिनिमम इनपुट 4 mA है, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 4 mA सेट कर दिया है। अगर आपका 0 to 10 रहेगा वोल्टेज इनपुट, तो आपका मिनिमम इनपुट यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो आप यहाँ पे 0 सेट कर दोगे। नेक्स्ट पैरामीटर है DSCH। DSCH मीन्स डिस्प्ले स्केलिंग हाई वैल्यू। आपको मैक्सिमम इनपुट पे डिस्प्ले पे क्या होना चाहिए। अभी मेरा मैक्सिमम इनपुट है 4 to 20 mA का, 20 mA, तो 20 mA के लिए मैंने यहाँ पे डिस्प्ले पे 20 सेट कर दिया है। सिमिलरली आप जो भी वैल्यू चाहिए, आप यहाँ पे 100, 200 जितना भी चाहिए, आप मैक्सिमम 4x9 तक आप सेट कर सकते हो यहाँ पे। तो अभी मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ, क्योंकि मुझे मैक्सिमम 20 चाहिए यहाँ पे। 1 को 0 करेंगे। नेक्स्ट है ISCH। ये आपका डिफॉल्ट आता है। अगर आपने इनपुट सिलेक्शन 4 to 20 का किया, करंट का किया है, तो यहाँ पे ऑलरेडी 4 to 20 का 20 आ जाएगा। अगर आपने 0 to 10 वोल्ट का किया है, तो यहाँ पे मैक्सिमम ऑटोमेटिकली 10 आ जाएगा। अगर यहाँ पे नहीं आ रहा है तो आप चेंज कर सकते हो यहाँ पे, जो भी मैक्सिमम आपका इनपुट रहेगा। नेक्स्ट पैरामीटर है आपका रिवर्स। रिवर्स अगर आपने यस किया यहाँ पे मिडल की से, तो अभी मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। अगर आपने यहाँ पे यस किया, तो जो भी आपका इनपुट स्केलिंग है वो रिवर्स हो करेगा। मींस 4 के लिए आपका जो मैक्सिमम DSCH वैल्यू है वो दिखाई देगा, और 20 के लिए आपका मिनिमम। जैसे कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे 4 to 20 के लिए 0 to 20 का स्केलिंग किया है, तो जब भी 4 इनपुट आएगा तो यहाँ पे 20 दिखाई देगा, और जब भी 20 mA इनपुट आएगा तो डिस्प्ले पे 0 शो करेगा, अगर आपने रिवर्स स्केलिंग यस कर दिया तो यहाँ पे। नेक्स्ट है FTC, इसको डिफॉल्ट रखना है। नेक्स्ट पैरामीटर है बायस। बायस मीन्स अगर आपके इनपुट के लोकेशन के वजह से डिस्प्ले में चेंजेस आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हो। अभी यहाँ पे इसको डिफॉल्ट 0 ही रखना है।
नेक्स्ट पैरामीटर है आपका रीसेट। अगर आपने रीसेट को यस किया तो आपका जितना भी सेटिंग है वो फैक्ट्री डिफॉल्ट में आ जाएगा, मीन्स आपका यूनिट रीसेट हो जाएगा। प्रोग्रामिंग से बाहर आने के लिए आपको फर्स्ट की फिर से 3 सेकेंड प्रेस करना है तो आपका डिस्प्ले आ जाएगा 0। अभी हम लोग पीआईडी के थ्रू पीआईसी को इनपुट देंगे। मैं यहाँ पे लेवल 4 में जाऊंगा पीआईडी में, अभी हम लोगों ने यहाँ पर 4 to 20 मिली एम्पियर आउटपुट का सिलेक्शन किया है और हैंड आउटपुट परसेंटेज यहाँ पे ऑन करेंगे हम लोग। मैं यहाँ पे भी 50% कर रहा हूँ। अभी मैंने यहाँ पे 50% आउटपुट दिया है तो डिस्प्ले पे 10 शो कर रहा है क्योंकि हम लोगों ने 4 टू 20 के लिए 0 टू 20 का स्केलिंग किया यहाँ पे पीआईसी पे। अभी मैं यहाँ पे 100% करूँगा। अभी 100% मीन्स 20 मिली एम्पियर आउटपुट जा रहा है पीआईडी के थ्रू पीआईसी को, तो डिस्प्ले पे भी 20 आ रहा है।